कैमरा देखते हैं तो लोग थोड़ा सा मतलब हमको देखते हैं गाड़ी में से बाहर जो मोट बाइक पे जा रहे हैं। तो यार एक हमारा फ्रेंड अनुराग श्रीवास्तव, उसकी शादी में हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, ट्वेल्थ में हम सब साथ में पढ़ते थे। उसकी शादी आ गई तो उसने बुलाया, तो मैं और मेरा फ्रेंड हितेश और साथ में हमारे सोनू भी है, तो हम सब लोग जा रहे हैं। कहाँ पे शादी है उसकी? शादी कहाँ पर, कौन सी जगह पे? चंदेरी में शादी है। और भाई चंदेरी का एक अच्छी बात यह है चंदेरी में कि वहाँ पे घूमने की बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, तो हम लोग वहाँ पे भी घूमेंगे और शादी भी अटेंड करेंगे। बस तो फिर फ्रेंड की शादी भी है तो इस वजह से उसकी शादी में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो फ्रेंड खुद आया, घर पे आया बुलाने के लिए। भाई अभी चल 4 दिन पहले से आना, भाई जब से फ़ोन लगा रहा था, क्या है कि मेरी एक्चुअली इंदौर में मीटिंग थी आज, तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई। हमें चंदेरी जाना था और चंदेरी जाने के दो रास्ते, अशोकनगर से एक धुवान होके है और एक यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं इस रास्ते से सीधे। तो अब हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन से रास्ते से जाए। यहाँ से 63 किलोमीटर है और अगर शॉर्ट रास्ता लेते हैं धुवान जी होके, तो बस वो रास्ता धुवान जी का पता नहीं है, वही ट्राई कर रहे हैं, पूछते हैं किसी से कि कहाँ से टर्न लेना है, क्या करना है। एक्चुअली वो जो रास्ता है धुवान जी जाने का, वो यहाँ से बस स्टैंड से, तो पहले हमें बस स्टैंड जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से राइट हैंड तरफ एक टर्न है, वो टर्न लेना है, एंड देन उसके बाद धुवान जी।